स्वागत है। KGF चैप्टर 3 के बारे में यहाँ पर थोड़ी चर्चा होने वाली है। एक अपडेट मेरे पास आई है, जो एक स्टेटमेंट मेरे पास आया है, जो स्टेटमेंट फिल्म के डायरेक्टर KGF 1 और 2 के डायरेक्टर प्रशांत नील ने स्टेटमेंट जारी किया है KGF चैप्टर 3 को लेकर। और यह स्टेटमेंट आपको थोड़ा सा निराश जरूर कर सकता है, लेकिन उससे पहले थोड़ी बातें हो जाए फिल्मों के बारे में कि भाई फिल्में जो बनती है, फिल्में हिट होती है, सुपर हिट होती है, फ्लॉप भी होती है। कई सारे फैक्टर यहाँ पर काम करते हैं, फिल्म की स्टोरी हो गई, या फिर फिल्म के एक्शन सीन्स हो गए, फिल्म का डायरेक्टर हो गया, जो डायरेक्शन जो फिल्म का डायरेक्टर होता है ना, उनके माइंड में जो कुछ चल रहा होता है वो पर्दे पर उतारता है। और अगर भाई वो सीन या फिर वो डायलॉग या फिर वो एंट्री कुछ भी हो पब्लिक को पसंद आ गया, तो भाई हॉल में तालियां, सीटियां सब कुछ बजेगा। और आजकल तो नया ट्रेंड हो गया ना, लोग पटाखे भी फोड़ रहे हैं सिनेमाघर के अंदर। हाल ही में एनिमल रिलीज हुई है ना, तो एनिमल में आपने क्लाइमेक्स वाला वो सीन देखा था, जो रणवीर कपूर जो है वो उल्टा लेटा हुआ है, उसके ऊपर बॉबी देओल लेटा हुआ है और वो सिगरेट जला रहा है। वो वाला सीन को लेकर बॉबी देओल ने एक स्टेटमेंट अभी दिया है, इंटरव्यू में उन्होंने बताया है कि भाई वो सीन का कुछ ऐसा मामला था कि जब वो लोग एनिमल की शूटिंग कर रहे थे, क्लाइमेक्स शूट कर रहे थे, तो संदीप रेड्डी के दिमाग में आइडिया आया कि भाई क्यों ना इस तरह से किया जाए कि रणबीर कपूर को उल्टा लेटाया जाए, उसके ऊपर उल्टा बॉबी देओल को लेटाया जाए और फिर वो सिगरेट जलाई जाए। तो वो जो विज़न था, वो जो दृष्टिकोण था, वो संदीप का था। संदीप को लगा कि भाई ये वाला डेफिनेटली पब्लिक को पसंद आएगा। तो फिल्म में कई ऐसे सीन होते हैं, कई ऐसे मोमेंट्स होते हैं जो डायरेक्टर देखता है कि भाई पब्लिक को क्या पसंद आएगा। तो डायरेक्टर का जो फिल्म हिट होने में, फ्लॉप होने में डायरेक्टर की जो भूमिका होती है ना, वो काफ़ी ज़्यादा मायने रखती है। लगभग 80% 70% तक डायरेक्टर का काम होता है फिल्म को किस तरह से प्रेजेंट करना है। स्टोरी तो बाद में हो गई, लेकिन फिल्म में अगर ये सीन इस तरह से लूँगा तो पर्दे पर क्या दिखेगा, क्या असर पड़ेगा, कितने लोग तालियां सीटियां लगाएंगे, ऐसा डायरेक्टर के दिमाग में होता है। अब मैं बोलूँ प्रशांत नील जो है वो KGF चैप्टर 3 डायरेक्ट नहीं करेंगे, या फिर मैं बोलूँ कि भाई RRR का जो दूसरा पार्ट आने वाला है वो SS राजामौली डायरेक्ट नहीं करेंगे, तो क्या होगा? नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। हाल ही में जो वेब सीरीज़ रिलीज़ हुई है स्कैम 1992 ले लो आप, हंसल मेहता ने डायरेक्ट की थी, लेकिन उसका ही सीक्वल आया, डायरेक्शन में आप खुद फ़र्क देख लो। तो डायरेक्टर जो पहले फिल्म बनाता है, जो डायरेक्ट करता है, तो सेकंड पार्ट भी वही डायरेक्ट करेंगे तो अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। RRR 2 को लेकर भी ये खबर आई है कि RRR 2 का जो डायरेक्शन है ना, वो कोई हॉलीवुड का डायरेक्टर डायरेक्ट करने वाला है, SS राजामौली ये डायरेक्ट नहीं करने वाले हैं, तो वो भी दुखद बात है। लेकिन KGF चैप्टर 3 को लेकर प्रशांत नील ने यह कहा है, क्या कुछ अपडेट दी है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। उन्होंने पहले बताया कि भाई KGF चैप्टर 3 की जो स्क्रिप्ट है ना, वो लॉक हो गई है, यानी कि स्क्रिप्ट कंप्लीट है। फिर जो शूटिंग की टाइमलाइन है कि कब शूटिंग शुरू होगी, कब पहला शेड्यूल ख़त्म होगा, कौन सी जगह पर ख़त्म होगा, दूसरा शेड्यूल कब शुरू होगा, तीसरा शेड्यूल कब शुरू होगा, चौथा शेड्यूल कब शुरू होगा, फिर मतलब पूरा टाइमलाइन जो है ना वो सेट है KGF चैप्टर 3 को लेकर। अब आगे उन्होंने बताया कि भाई KGF चैप्टर 3 का जो यश है ना, वो KGF चैप्टर 3 के ही पार्ट है, यानी कि KGF चैप्टर 3 में हमें यश देखने को मिलेंगे, ये बात भी उन्होंने कन्फर्म की है। जैसे हमने KGF चैप्टर 2 में देखा कि यश तो मर गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पर प्रशांत नील ने कन्फर्म कर दिया है कि KGF चैप्टर 3 में भी यश दिखेंगे। ये हो गई तीसरी बात। अब चौथी बात आपको निराश करेगी। उन्होंने आगे ये बताया कि भाई शायद KGF चैप्टर 3 के डायरेक्टर नील रहे या ना रहे, यानी कि शायद मैं होगा भी या नहीं भी हो सकता, क्योंकि अभी इसका कोई मैं मतलब कि इसका कोई फाइनल डिसीजन मैं नहीं बता सकता कि KGF चैप्टर 3 को मैं डायरेक्ट करूंगा नहीं करूंगा। बाकी जो 3-4 अपडेट दी है वो तो अच्छी है, लेकिन ये चौथी वाली अपडेट कहीं ना कहीं फिल्म को ख़राब कर सकती है, क्योंकि भाई दो फिल्में, दो पार्ट हमने देखे, एकदम ज़बरदस्त, तालियां सीटियां वाले भरपूर डायलॉग्स, वो उनकी का स्वैग देख लो, सब कुछ अच्छा था। लेकिन अगर भाई तीसरा पार्ट कोई वो डायरेक्ट करेगा, अगर इवन मैं कहूँ राजामौली भी डायरेक्ट करेंगे ना KGF चैप्टर 3 को, तो वो भी नहीं चलेगा, क्योंकि भाई जो पकड़ है ना वो सबकी अलग अलग है। RRR 2 को अगर प्रशांत नील डायरेक्ट करेंगे तो भी नहीं चलेगा। तो मेरा यह मानना है कि भाई पहली फिल्म आपने अगर सुपर डुपर हिट दी है, दूसरी फिल्म भी आप सुपर डुपर हिट देते हो, तो तीसरी फिल्म भी आप क्यों छोड़ रहे हो? ये ख़राब करने की बात है। अगर इस तरह से ही है तो फिर KGF चैप्टर 3 हमें नहीं चाहिए। अगर प्रशांत नील, KGF चैप्टर 3 डायरेक्टेड बाय प्रशांत नील है, तो ही हमें चैप्टर 3 चाहिए, वरना हमें चैप्टर 3 नहीं चाहिए। यहाँ पर ही आप चैप्टर क्लोज कर दो। तो देखते हैं भाई आगे अब क्या न्यूज़ आती है, क्या अपडेट आती है। लेकिन अभी तो प्रशांत नील ने खुद कहा है कि शायद प्रशांत नील चैप्टर 3 डायरेक्ट करेंगे, शायद नहीं भी करेंगे। जो भी होगा, आगे अपडेट आएगी, मैं आपके साथ वो अपडेट शेयर कर दूंगा।
कि अभी तक तो ये अपडेट थी, मैंने आपके साथ शेयर कर दी। धन्यवाद।